हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। जो 11th 12th में जो इनऑर्गेनिक पढ़नी है वो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एक तरह से बेस है इनऑर्गेनिक का ही है। देखो, दो चैप्टर मेनली जो इनऑर्गेनिक के बेस कहे जाते हैं, आधार कहे जाते हैं, आधारशिला कहे जाते हैं। एक तो आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आवर्त। ये दो दो चैप्टर आते हैं तो आपको इनऑर्गेनिक वाले कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये नहीं आते हैं तो आप समझ गए होंगे, दिक्कत है, दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है? ओनली दिक्कत आएगी, ओनली परेशानी आएगी। तो अपन इन दोनों चैप्टर को अच्छे से करते हैं। तो पहले अपन पीरियोडिक टेबल सीखते हैं। देखिए यार, पीरियोडिक टेबल एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिसकी हर एक लाइन रिपीट होनी है। 11th और 12th में इसकी जो भी लाइन लिखवाई जाएगी नोट्स में, A to Z हर एक लाइन रिपीट होगी। कब रिपीट होगी? 11th में रिपीट होगी, 12th में रिपीट होगी, इनऑर्गेनिक के अंदर रिपीट होगी। इसलिए आप प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से सीखें, आप लोग बढ़िया से सीखें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अब सोचो कि यदि इनकी हर एक लाइन रिपीट होगी तो वहां पर टीचर आपको समझाएगा नहीं, बोलेगा पीरियोडिक टेबल में सीखा हुआ है। तो इससे अच्छा है कि वहां पर परेशान हो, वापस पीरियोडिक टेबल बार बार पीछे बैकवर्ड आके देखना पड़े, इससे अच्छा है इसको अभी तैयार कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, बढ़िया तैयार करते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर की मैंने तुम लोगों को बता दी, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है, बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल अपने क्या क्या सीखना है, बेसिकली मैंने उन हर एक हेडिंग को लिखा है आपके सामने, जो जो हेडिंग अपने को पीरियोडिक टेबल में सीखनी है, ठीक है? और सबसे पहले अपने जिंदगी में पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी यार, आप सब लोगों ने आवर्त सारणी जरूर देखी होगी। कैसी दिखती है? जैसे देखो, अभी दिख रही होगी आप लोगों को, ये पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखती है। इस पीरियोडिक टेबल में देखो किस तरह से एलिमेंट अरेंज देख टेबुलर फॉर्म में, है ना? तो पीरियोडिक टेबल आपने सब लोगों ने इस तरह से कलरफुल देखी होगी, तो मैं भी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है? अब पीरियोडिक टेबल के अंदर पहली हेडिंग क्या है? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री बोल दे या फिर इसके बारे में वो जो पुरानी बातें हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकता है, कैसे इवॉल्व हुई पीरियोडिक टेबल, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल के पहले, मतलब पीरियोडिक टेबल से पहले लोग एलिमेंट्स को एक अलग अलग तरीके में अरेंज कर रहे थे और अलग अलग तरीके से एलिमेंट को याद करना चाह रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज याद करना चाह रहे थे। तो अल्टीमेट फॉर्म मिली वो एक टेबुलर फॉर्म मिली, वो एक सारणिक रूप मिला जिसको अपन ने आवर्त सारणी बोला, पीरियोडिक टेबल बोला, ठीक है? तो पहले अपन देखें क्या हिस्ट्री है, कहां से, मतलब कहां से अपन ने स्टार्ट किया एलिमेंट को अरेंज करना और फाइनली पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे अपन लोग, ठीक है? दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब अपन ने पीरियोडिक टेबल देख ली कैसी दिखती है, तो इसको चार पार्ट में जो क्लासिफाई किया है SPDF लॉक्स में, या एक और क्लासिफिकेशन है वो भी देखेंगे। दो तरह से बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, दोनों तरीके से सीखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है? उसके बाद में नेमिंग ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा वाले, 100 से ज्यादा वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्व है, उनका जो नाम लिखना एक नया तरीका IUPAC ने दिया, उसका नाम कैसे लिखा जाता है उसको सीखेंगे अपन लोग, ठीक है? उसके बाद फाइंडिंग ऑफ ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप या फिर पीरियड या फिर ब्लॉक भी बोल दें, आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देगा, आप उसका पीरियड बता पाओगे जल्दी से, आप उसका ग्रुप बता पाओगे, आप उसका ब्लॉक बता पाओगे, इतना एक्सपर्ट अपन हो जाएंगे जब इस चैप्टर को, इस हेडिंग को अपन सीखेंगे, ठीक है? पीरियोडिसिटी बड़ी अच्छी टर्म है, पीरियोडिसिटी। शायद पीरियोडिसिटी वही टर्म है जहां से पीरियोडिक टेबल नाम, जो पीरियोडिक नाम बना है वहीं से बना है, तो अच्छी टर्म है, वहीं अपन जाके सीखेंगे क्या है। उसके बाद में है क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस पीरियोडिक टेबल में बार बार रिपीट होती है, इसलिए उनका नाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रखा। बेसिकली चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो मैं आगे डिस्कस भी कर रहा हूँ, ये चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टी इस चैप्टर का आधार है। मतलब इस चैप्टर को जो सीखना है मेनली, इन चार पीरियोडिक प्रॉपर्टी को ही सीखना है और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं सीखना, कुछ नई चीज नहीं सीखनी। इन चार जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आवर्तिक गुणधर्म है, उन्हीं को ही सीखना है आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद में जैसे पहला है रेडियस एंड डेल टाइप, त्रिज्या और उसके प्रकार। रेडियस क्या होती है इसको डिफाइन करेंगे, इसके टाइप्स कैसे हैं, कितने टाइप्स हैं, वो सारी बात अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देयर एप्लीकेशन। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका 12th में बहुत बार रिपीटेशन होता है, इवन एग्जाम में ये अपनी फिक्स जगह भी रखता है। एग्जाम में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और उसके एप्लीकेशन है, ये एग्जाम में अपनी एक फिक्स जगह रखते हैं। इसका मतलब हमें ये टॉपिक आना चाहिए, हमें ये टॉपिक सीखना है, ठीक है?
उसके बाद अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दो अलग अलग टर्म है लेकिन एक साथ लिखी हुई है। जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति या लब्धि ऊर्जा, ये दोनों क्या सीधे इसको डिफाइन करेंगे, क्या डिफरेंस ये डिफाइन करेंगे, आगे बात समझ में, और ये किस किस बात पर डिपेंड करते हैं, क्यों डिपेंड करते हैं, हर एक बात को डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन देयर एप्लीकेशन नेक्स्ट है अपना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी एक ऐसी टर्म है, ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो बहुत 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 सारी जगहों पर काम में आने वाली, क्योंकि कंप्लीट इनऑर्गेनिक में तो सब कुछ ही काम में आ रहा है, जो भी अपन सीखेंगे सारे इनऑर्गेनिक में तो काम में आएगा ही आएगा, लेकिन ये ऐसी टर्म है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसके बिना ऑर्गेनिक भी नहीं चलेगी भैया, ऑर्गेनिक भी नहीं चल पाएगी। यदि आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर चलती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पर चलती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो भैया आपको करनी ही पड़ेगी, आपकी मजबूरी है एक तरह से, ठीक है। एंड लास्ट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की कुछ बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जो इन सब पे डिपेंड करती है, उसको अपन अलग से लेंगे, जैसे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन मेटल है क्यों मेटल है, कोई नॉन मेटल है क्यों नॉन मेटल है, कोई लेस रिएक्टिव क्यों लेस रिएक्टिव है, कोई मोर रिएक्टिव क्यों मोर रिएक्टिव, सारी बातें अपन लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है, या पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर। इस तरह से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप साथ देना, आप साथ रहना, आप हर वीडियो को देखना और शेयर करके, लाइक करके, कमेंट कर मेरा करके मेरा उत्साह बढ़ाना यार, ठीक है। तो बढ़िया से चैप्टर को सीखेंगे, हर एक हेडिंग को सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा, मेरा पूरा अच्छे से प्रयास करूंगा सिखाने का, आप लोग भी पूरा प्रयास करें सीखने का कि आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।